भस्त्रिका, अभी आसन और कराएंगे, बैठ करके उल्टे लेट के सीधे लेट के जिससे जितना बन पाए। हमारे साथ रोज पूरा हिंदुस्तान योग कर रहा है। कोरोना होने के बावजूद, सर्दी जुकाम बुखार होने के बावजूद, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के बावजूद, इन्फेक्शन 50% तक फेफड़े में घुस गया, उसके बावजूद भी प्राणायाम मत छोड़ना। ऐसे 80% इस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, बाकी नाइट्रोजन है और 1% कुछ और जहरीली गैसें और कुछ ऐसे जो हमें ज़रूरत नहीं इस प्रकृति में, जिनकी ज़रूरत है वो दूसरी गैसेज है। 20-21% ऑक्सीजन, करीब 69-70% जो है नाइट्रोजन और 1% और दूसरी माइनर गैसेज होती है। इस ऑक्सीजन को कैसे लेना, ऐसे भस्त्रिका से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। और एक खास तरीका, एक तो मैंने बताया सही तरीका है लौंग कपूर अजवाइन की पोटली की जगह, एक दीपक जला के या हवन करके, हमारा ये ब्रह्म प्रकाश भाई है, इसका दूसरी बार कोरोना हुआ, इसने गाय का घी का दिया जलाया और उसके भीतर फिर ये करो अनुलोम विलोम कर लो सब, उसके भीतर फिर डाल दिया दिव्य धारा। अब ये दिया जलाया, यद्यपि आज अग्नि बहुत ज़्यादा है पवन, और इसमें फिर दिव्य धारा डाल करके इसने रात भर अपने, हाँ चलो चलो, और रात भर जो है स्वामी जी, त्राटक तो आंखों के लिए फायदेमंद बहुत है पवन का, हम जानते हैं, यह आंख के लिए भी फायदेमंद है और यह दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं इस बात को कि कोरोना काल में आप लोग सही प्रयोग करें, गलत एक्सपेरिमेंट नहीं होने चाहिए। तो बैठो सीधे और ये ऐसे अपनी आंखों के सामने ये दिया जला करके और इसके अंदर ये जला, ये दिव्य धारा वो डाल दी, और फिर जो है ऐसे त्राटक करना और घी का दिया ये दिन रात भर अपने सिरहाने रख करके सोया, और इसको एक बार भी फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी नहीं स्वामी जी, ऑक्सीजन की ना जरूरत पड़ी, ना ऑक्सीमीटर की, ना ऑक्सीजन सिलेंडर की, और मेरे को रात को कभी डिस्कम्फर्ट भी नहीं हुआ सोने में, पूरी नींद भी बढ़िया आई। तो ये सही तरीके हैं। हाँ, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसको कभी ना छोड़ें। ये मैं थोड़ी सी बात इसलिए बताने के लिए वहाँ भाई धर्म प्रकाश जी तक गया। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, कुछ और तरीके हैं हवन जो करते हैं, उसके गाय के घी के अंदर कपूर डाल लें जी।